इंदौर पिटाई मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया बयान, पत्रकार ने किया पलटवार। इंदौर पिटाई कांड को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से कहा, वो हिंदू नाम से वहां सामान बेच रहा था, वो दूसरे समुदाय से था। इसी तरह के दो आधार कार्ड भी मिले हैं। बेटियों को बहुओं को सावन के दिन चूड़ियां पहनाने की हमारे यहां ज्यादा परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के दो मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील एहतेशाम हाशमी का कहना है कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर वो व्यक्ति हिंदू नाम से वहां चूड़ियां बेच रहा था तो फिर उनका असली नाम कैसे पता चला, और अगर उनके पास दो आधार कार्ड थे तो उस पर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, न कि लोगों को। उन्होंने कहा उसे मारने का हक किसी को भी नहीं है। इस मामले में NSA के तहत कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, चूड़ियां खरीद रहे थे कि धर्म की इंक्वायरी कर रहे थे? ग्राहक सामान खरीदता है, वो इससे कोई मतलब नहीं रखता कि बेचने वाला गोविंद है कि गुरचरण की गुफरान। ये काम तालिबानियों का है जो नाम पूछ कर लिंच करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आपको मिलती रहे।